What should that something be? And the magic of that daily vlog. यार इस व्लॉग में केस स्टेट बताते हैं कि यार जिस तरीके से जब वो डेली व्लॉगिंग करते थे तब उनके पास कंटेंट की कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने डेली व्लॉगिंग बंद कर दिया तो उनको अब इस बात से टेंशन हो रही थी कि यार किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए। और मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार एज ए यूट्यूब क्रिएटर मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे ये पानी के बोतल के ऊपर भी वीडियो बना सकते हो, और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंट हो सकूँ और अपने स्टाइल को थोड़ा सा डेवलप कर सकूँ। हेलो जी, तो यार आज का दिन थोड़ा सा लेट से शुरू हो रहा है, अभी बज गया 12 और कल का जो व्लॉग मैंने बनाया था तो उसको एडिट अभी तक मैंने किया नहीं है, तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि मैं कब एडिट करूँगा और कब डालूँगा, क्योंकि मुझे अभी निकलना है कुछ काम के लिए। तो दिस इज माई फ़ोन रेडमी नोट 9, और ये फ़ोन जो है ये ख़राब हो गया। इसकी सारी चीज़ें तो चल रही है, बस इसका जो USB पोर्ट है यानी कि चार्जिंग के लिए जो है वो ख़राब हो गया, तो मुझे उसको रिप्लेस करवाना है। यार कैमरा तो मैं लेके आ गया लेकिन इसकी बैटरी रहेगी यार, और इस वाले पे 15% चार्ज है, मतलब कि मुझे अभी हेलो जी, तो यार फ़ोन में देख के आया हूँ और बोल रहे हैं कि 2 घंटे के आसपास लगेगा, तो 4 बजे के आसपास मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। तो अभी मैं घर में वापस आ चुका हूँ और मुझे अभी खाना खाना है क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। ओ यार वीडियो मैंने डाल दिया, अभी थंबनेल में मैंने इस बार थोड़ा सा अलग करने का ट्राई किया है कुछ नहीं। तो यार सीन्स कुछ ऐसे है कि अभी 6:30 हो चुके हैं और अभी मुझे वो दुकान वाले पे जाना है क्योंकि मैंने उसको बताया था 4 बजे को आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया। तो फ़ोन तो ठीक हो गया लेकिन इसका बैक पैनल मैंने चेंज ही नहीं करवाया क्योंकि उसके पास नहीं था, तो अभी मुझे अंडे लेने हैं। तो यार अंडे तो ले लिए, और मुझे यार पता नहीं कि ये केक खाने का बड़ा मन कर रहा था, है तो ये सिर्फ 5 रुपये का लेकिन फिर भी पता नहीं। ओहो, तो अब सीधा घर चलते हैं क्योंकि मुझे आपसे करनी है एक ज़रूरी बात। तो अभी बस मैं पहुँचा हूँ और अभी हम करते हैं ज़रूरी बात, लेकिन उससे पहले मैं नहा लेता हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो ज़रूरी बात यह है कि मुझे आपको एक कहानी सुनानी है, और वो कहानी करीब 3-4 साल पुरानी है, व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट इरफान भाई, लेकिन ये वीडियो उनके बारे में नहीं है, ये वीडियो है केसी नाइस्टैट के बारे में। तो केसी नाइस्टैट के बारे में मुझे इरफान भाई के वीडियो से पता चला। ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैंने आज केसी नाइस्टैट को कुछ ज़्यादा ही छाप दिया, और सच बोलूँ तो तब मेरा ध्यान उनके वीडियोस पर उतना गया नहीं। फास्ट फॉरवर्ड टू मेनी ईयर्स लेटर 2020-2021 के आसपास इरफान भाई ने अपने दूसरे चैनल जुनेजो 2.0 में एक वीडियो डाली, हाउ टू स्टार्ट अ व्लॉग चैनल। तो उन्होंने ये बताया कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कैसे उन्होंने केसी नाइस्टैट के फर्स्ट 100 वीडियोस को अच्छे से स्टडी किया, फिर क्या था आई स्टार्टेड स्टडिंग इरफान भाई के वीडियोस, और धीरे धीरे आई आल्सो स्टार्टेड वाचिंग केसी नाइस्टैट के वीडियोस, एंड देन आई रियलाइज समथिंग। केसी नाइस्टैट इंग्लिश बोलता है और वो रहता है न्यूयॉर्क में, मैं रहता हूँ इंडिया में, लेकिन फिर भी मुझे उसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है जो केसी नाइस्टैट को केसी नाइस्टैट बनाता है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि केसी नाइस्टैट कितना अच्छा व्लॉगर है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको एक सजेशन दे सकूँ कि आपको अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी हो तो आप प्लीज़ जाए और उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें। जैसे कि अगर आपको व्लॉगिंग चालू करना हो तो इरफान भाई की एक जो टिप थी कि आप पहले 100 वीडियोस या फिर जितने हो सके उतने वीडियोस को स्टडी करें, और उनको स्टडी करने के बाद आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ आ जाएगी और आपकी व्लॉग्स की क्वालिटी भी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ
अपने लाइफ को लेके दैट आई गॉट टू नो अबाउट केसी नाइस्टैट, अगर मुझे इनके बारे में पता नहीं रहता या अगर मैं इग्नोरेंट होता तो मैं इस स्टेज पे कभी भी नहीं आता। तो रिसेंटली आई हैव बीन वॉचिंग केसी नाइस्टैट वीडियोस और उसकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में।